प्रदेश को भिक्षावृत्ति मुक्त करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर शहर में भी भिखारियों को समझाइश के बाद आज से रेस्क्यू अभियान का आगाज किया गया। आरएसएलडीसी के चेयरमैन डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि कई विभागों के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें चौराहों पर भीख मांग रहे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें रहने और रोजगार देने की शुरुआत की है। 100 भिक्षुकों को राज्य की राजधानी के चौराहों से उनको पिक करके उनको हम विभिन्न प्रकार के स्किलिंग भी करा चुके हैं और तो और उनको नौकरी भी लगवाई है, तो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं। इसी के अगले चरण में जो चौराहों पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं या उनके परिवार सहित वो भीख मांग रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को से कोई काम करवाया जा रहा है, बाल श्रम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए एक नया प्रयास, अभिनव प्रयास आज प्रातः से शुरू किया गया है, जिसमें जयपुर के जो मुख्य चौराहे हैं, रामबाग हो या 7 नंबर चौराहा हो, जवाहर सर्किल हो, उन सभी चौराहों पर जो दिखता हुआ बालश्रम है या भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे हैं उनको हम पुनर्वास करने के लिए कोशिश करेंगे। तब हमारे पास महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, इन राज्यों के भी जो लोग बरसों से जयपुर की सड़कों पर रह रहे थे भिखारी के रूप में, उनको हमने स्किलिंग करा के उनको काफ़ी हद तक उनको नौकरी भी दिलवाई है। इसमें हमें 10वीं पास, 12वीं पास, बिल्कुल अनपढ़ भी मिले और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मिले जो कि 12वीं पास थे, तो उनको हम हेल्थ सेक्टर की कुछ स्किलिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आदमी जो सड़क पर भीख मांग रहा था वो स्किल्ड होकर के कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे। जो आज से अभियान चला रहे हैं इसके लिए एक काउंसलिंग सेशन भी शुरू में 13 दिन का किया गया था, जिसमें भिखारियों की पहचान करके उनकी इच्छा जानी गई कि क्या वो रोजगार प्राप्त करके मुख्य धारा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो जब उनकी सहमति व्यापक स्तर पर प्राप्त हुई उसके बाद में आज से समाज कल्याण विभाग, आरएसएलडीसी और आयुक्तालय कमिश्नरेट पुलिस है, उन्होंने मिलकर इस अभियान का आगाज़ कर रहे हैं।